हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो ऐसी कंपनी के बारे में जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, पास्ट में रिटर्न अच्छा बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो आने वाले टाइम में भी ये कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और अभी आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी का प्राइस ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी ये कंपनी आपको एक ऐसे प्राइस पर मिल रही है जहां से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इन दोनों कंपनी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ये दोनों की दोनों कंपनी आपका पैसा डबल कर सकती है, इतना पोटेंशियल इन कंपनी के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी का। तो पहली कंपनी जो है आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 16,141 करोड़ का मार्केट कैप है। और केमिकल सेक्टर में अगर किसी कंपनी में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो वो आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक होगा, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे सकता है। 926 का भी प्राइस चल रहा है। इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वन डे में देखिए 0.11% डाउन है, वन वीक की अगर आप बात करेंगे आप देखें 2.48% डाउन है, एक महीने की अगर बात करें तो 3% का रिटर्न दिया है, एक साल की अगर बात करेंगे 6% का ही रिटर्न दिया है, और 5 साल की अगर आप बात करेंगे तो 467% का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न इस कंपनी ने आप देख सकते हैं 23,000% से भी ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया है। इस कंपनी में एक न्यूज आई थी कि इनके जो क्लाइंट है 4,000 करोड़ का, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट के लिए इनके पास नोटिस आया था, उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आया, लेकिन वहां से एक अच्छा मूव आया और वहां ऊपर गया और उसके बाद से स्टॉक में लगातार नीचे करेक्शन हो रहा है, और करेक्शन होते होते 926 रुपीज की प्राइस पर आ चुका है। अभी टेक्निकल लेवल्स भी देखेंगे हम, किस लेवल पर इस कंपनी को ज्यादा क्वांटिटी में बाय किया जा सकता है। उससे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले आप देखिए सेक्टोरियल पी इसका है 18.64 और स्टॉक का जो पी है वो है 30, यानी कि स्टॉक अभी भी आपको महंगे प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन पी इसका हमेशा आपको हाई भी मिलने वाला है क्योंकि कंपनी ग्रोथ अच्छा करती है। और आरती इंडस्ट्रीज का अगर आप देखेंगे बिजनेस का, तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ऑपरेट्स इन 3 सेगमेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एंड होम एंड पर्सनल केयर केमिकल। तो आपने इसका बिजनेस देखा, ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, डिमांडिंग बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल्स में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, इसके प्रमोटर की होल्डिंग में दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट है, 3 महीनों से एक भी शेयर गिर भी नहीं है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इस कंपनी का अच्छा है। केवल और केवल एक न्यूज के कारण इस कंपनी में करेक्शन हो गया है। अब हम देखते हैं ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है, डिविडेंड भी देख लेते हैं हम। डिविडेंड देती है 2.50 रुपए के आसपास में, और पिछले साल जो है इसने डिविडेंड 3.50 रुपए के आसपास दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड 2 रुपए से ऊपर ही इसका डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड ठीक ठाक है। अब हम देखते हैं इसका चार्ट, और चार्ट लेवल पर अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं, तो एक कैंडल जो है आपकी 7 दिन की रहने वाली है, तो 7 दिन से एक वीक बनता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये टॉप जो इस कैंडल ने बनाया है, यहाँ पर हाई जो बनाया है 1192 का, दैट इज 1,192 रुपए का हाई बनाया, और उसके बाद आप देखो ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 6 वीक और ये 7 वीक, तो आप देखेंगे 1 महीने से भी ऊपर इस स्टॉक में लगातार करेक्शन आया, और इस स्टॉक ने इस वाले वीक में जो लो लगाया था वो 850 रुपए का लगाया, और वहां से ऊपर जाकर अभी 926 रुपीज की प्राइस पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्टॉक वापस से करेक्ट हो गया, और हमारे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक एक 30 का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसका प्राइस आ रहा है 920 का, यानी कि आरती इंडस्ट्रीज में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर एसआईपी करते हैं। और 920 के नीचे भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग पहले जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो सपोर्ट का काम करेगा, और वो लेवल भी हमारे पास निकल कर आ रहा है 895 के आसपास में। और अगर ये ग्रीन कलर का सिंपल मूविंग एवरेज भी देखोगे आप तो 876 है, तो आरती इंडस्ट्रीज में अभी अगर बड़ा अगर करेक्शन अगर दिखता है तो आपको जो पहला लेवल जो रहेगा वो 880 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करेगा।
तो आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है। और कहां से ये स्टॉक गिरा है आप देख सकते हैं, 1192 से। तो आपको अच्छे प्राइस पर अभी आरती इंडस्ट्रीज मिल रहा है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। दो से तीन तीन शेयर की एसआईपी कीजिए, और दो शेयर की अगर एसआईपी करते हैं और उसके बाद निफ्टी में अगर बड़ा डाउनफॉल आ जाता है तो आरती इंडस्ट्रीज में भी डाउनफॉल आएगा। और 880 से नीचे जब मिलना स्टार्ट हो जाए आरती इंडस्ट्रीज, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने के लिए। यानी कि दो शेयर की एसआईपी कर रहे हैं तो उसके बाद चार शेयर की एसआईपी कीजिए। आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में 30 से 40 40 अगर रुपए की डिप पर अगर बाय किया जाए तो आपकी एवरेजिंग सबसे अच्छी रहने वाली है, और लॉन्ग टर्म में इसका एडवांटेज आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको आरती इंडस्ट्रीज में करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं। एक 920 का लेवल है और एक 880 का लेवल है। ये दो लेवल अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट है, तो आपको वॉचलिस्ट में लगा कर रखना है। और इन लेवल्स पर आता है तो स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च है, आप खुद से भी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, 944 रुपीज का चल रहा है। इंडिया को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जाना है तो लार्सन एंड टुब्रो को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में एक अकेली कंपनी है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड लिस्टेड है निफ्टी 50 में, मैं आपको बता रहा हूं। तो लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है वो कंपनी जिस प्राइस पर अभी चल रही है, यहां से इजीली आपका पैसा डबल कर सकती है। और इस स्टॉक को जब ये स्टॉक 800 रुपए के आसपास आया था तभी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था, और वहां से भी जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहा है। और ये स्टॉक अभी भी बाइंग रेंज में है। क्यों है वो हम टेक्निकल्स पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वन डे की बात करते हैं तो 0.31% अप है। वन वीक की अगर बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव में रिटर्न है। वन मंथ अगर आप देखेंगे, देखिए ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है। और एक साल में भी देखेंगे तो अभी भी ये स्टॉक आपको 39% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसको लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है वैसे, और एक इसके बिजनेस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जिस प्राइस पर ये अभी मिल रहा है और बिजनेस जिस तरीके का है वहां से ये स्टॉक अच्छा ही रिटर्न आपको बनाकर देगा। तो लॉन्ग टर्म जिनका विजन है वो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे नेगेटिव में रिटर्न है, तो आप लोगों को इसके बिजनेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इंडिया की अगर आपको लगता है कि इंडिया अच्छा ग्रोथ करेगा फ्यूचर में, तभी इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाएं। और मार्केट कैप के भी अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। सेक्टोरियल पीई से ये स्टॉक आपको अभी बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, और आप देखेंगे 95% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड एन इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। और इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखेंगे तो ज्यादा खराब नहीं है जितना प्राइस में करेक्शन आया है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। लास्ट 3 महीनों से अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो वो भी कांस्टेंट है। इसका डिविडेंड भी हम देख लेते हैं, तो डिविडेंड देखिए 10 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया था, पिछले साल भी 18 रुपए का, भी 16 रुपए का। तो डिविडेंड बहुत ही शानदार ये कंपनी अब बनाकर देती है। अब देखते हैं इसका चार्ट, और चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का देखिए, सबसे पहले देखिए डेली चार्ट पर अगर 200 का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे अगर स्टॉक चल रहा है, यानी कि वो बियरिश ट्रेंड में है। और 200 का सिंपल मूविंग एवरेज इसका है 1165 का, उससे तो कहीं नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जो 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो होता है 6 महीने का ट्रेंड, दैट इज 964 रुपीज, उसके भी नीचे चल रहा है। अब इस स्टॉक ने 2 बार इस लेवल को आप देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसको एक बार टच करके फिर से ये स्टॉक नीचे आया। और वहां से आप ये वाला कर्सर देखिएगा और ये कैंडल देखिएगा, ये 2 टॉप बने हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारा जो आ रहा है 993 रुपीज के आसपास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है इसके पास आकर बार बार ये स्टॉक नीचे जा रहा है। और इस स्टॉक में नीचे की तरफ अगर लेवल देखते हैं, ये जो 30 का सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे आप, ये लेवल आ रहा है लगभग 922 रुपीज के आसपास में। यानी कि लार्सन एंड टुब्रो
अगर आपको 920 की रेंज में मिलता है, 920 से 925 की रेंज में, सबसे बेस्ट है अभी की बाइंग रेंज करने के लिए। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इसका चार्ट चल रहा है, आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब भी लार्सन एंड टुब्रो में 30 से 40 रुपए का डिप आता है, तब लोग आप स्टॉक ऐड कीजिए, दो दो शेयर की एसआईपी कीजिए, इजीली बहुत अच्छे तरीके से शेयर सेट होंगे और अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनेगा। और इसके अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो एक 886 दैट इज 890 के आसपास में बहुत अच्छा इसका एक सपोर्ट बनेगा, जो कि पिछली बार एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो आपके पास बहुत ही पास लेवल है, तो आप लोगों के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। लार्सन एंड टुब्रो में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करते रहिए। बाकी सारे बहुत स्टॉक आगे बढ़ चुके हैं, उनमें से भी ये दो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं जो कि बाइंग रेंज में है। पैसा लगाएंगे तो पैसा इन स्टॉक्स में जरूर आपका बनेगा। फिर भी आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। पैसा आपका है, रिटर्न मिलेगा तो भी आपको मिलना है, और लॉस होगा तो भी आपको लॉस होना है। तो इसलिए आप लोग भी कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।